नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। जिस तरीके से 14-15 दिनों से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रही है, उसको लेकर अब नई बात भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया, तो देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। लेकिन इसी बीच शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ये सरकार जो है 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, ये सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी। जी हां, शरद पवार का ये बड़ा बयान है। और शरद पवार ने बयान देते हुए साफ जाहिर किया है कि जो सरकार है एकनाथ शिंदे की, वो सरकार नहीं चल पाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी। जी हां, इस बीच में एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें सुधीर सूर्यवंशी जी जो है वो ट्वीट करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शरद पवार ने साफ साफ कहा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है जितने भी रिबेल यानी कि जो भी बागी विधायक है उनको उनकी जो जरूरत है, उनकी जो मांग है, उसको पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री को लेकर, जो भी मंत्रिमंडल का बंटवारा किया जाएगा उसको लेकर जो भी है उस चीज को पूरा नहीं कर पाएगी। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी। आप ट्वीट देख रहे होंगे, ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी बागी विधायक हैं वो लौट कर फिर से शिवसेना में आ जाएंगे। आपको लगातार ये ट्वीट देखिए, ट्वीट में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जो बागी विधायक हैं वो लौट कर फिर से शिवसेना में आ जाएंगे। आपको यहां ये भी बता देंगे, एक और ट्वीट उन्होंने किया है, एक और ट्वीट उन्होंने करते हुए लिखा है कि जो बागी विधायक हैं वो लौट के तो शिवसेना में आएंगे ही, साथ ही साथ जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो फिर से एक ही समय पे होने जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति है शरद एकनाथ शिंदे के गुट की, वो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, और नाराजगी और भी बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब जो उनकी जो उम्मीदें हैं बागी विधायकों की वो पूरी नहीं होगी। शरद पवार ने एक बैठक में कहा, अपने जितने भी नेता थे, जितने विधायक, उन्होंने कहा था कि अपने अपने क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए और जल्द ही मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहिए। इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिसमें खबर निकलकर सामने आ रही है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से के जो दो बागी विधायक थे वो वापस उद्धव ठाकरे के गुट में आ गए हैं, यानी कि शिवसेना के तरफ फिर से वापसी कर रहे हैं। आपको हम ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो भविष्यवाणी है शरद पवार की, क्योंकि शरद पवार जो है एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर बीजेपी में अगर चाणक्य या अमित शाह हैं तो शरद पवार भी महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। आपको इसलिए बता दें कि कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने कहा कि जो एकनाथ शिंदे की सरकार है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, यानी कि 6 महीने नहीं भी चल जाए तो काफी है, क्योंकि जिस तरीके से बागी विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की सरकार को मुश्किल में डाल सकती है, और ये भविष्यवाणी अब कहीं ना कहीं सच भी होने लगी है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद भी उनकी जो मुश्किलें हैं वो थमने का अभी कम नहीं हुई है। उनकी मुश्किलें इसलिए कम नहीं हुई है क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनाने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने ना ही तो भाजपा में विलय किया है और ना ही मूल रूप से शिवसेना का बताया है अपने आप को। ये दोनों ही शर्तें संविधान 10 की अगर बात करें, अनुच्छेद 10 की अगर बात करें, तो इसके अनुसार ये जरूरी है दोनों में से कोई एक शर्त पूरा करना, नहीं तो जो बागी विधायक हैं वो अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। और इस यही वजह है कि अगर अयोग्य करार दे दिए जाते हैं तो सरकार जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकती है। एकनाथ शिंदे लगातार जिस तरीके से ये प्रकरण चल रहा था 15 दिनों से प्रकरण चलने के बाद ये जो सरकार बनाई गई, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद पहले सामने जो है वो नाम आ रहा था देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने लगातार आ रहा था, लेकिन एक बड़ा उलटफेर करते हुए जो एकनाथ शिंदे हैं उन्हें सीएम पद के लिए चुना गया, सीएम पद के लिए उन्हें शपथ ली।
हालांकि इस बीच आपको अगर बात बताएं तो देवेंद्र फडणवीस की भी नाराजगी कहीं ना कहीं खुले तौर पे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी सामने आई थी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं ये एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम होंगे, और महाराष्ट्र के सीएम होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बाहर से समर्थन करूंगा लेकिन मंत्रिमंडल में सामने नहीं शामिल नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की जो भी जो नाराजगी है, खुलकर तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ उनकी नाराजगी जरूर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था तो हर जगह ये नारेबाजी हो रही थी कि शायद देवेंद्र फडणवीस ही अब सीएम बनेंगे, और देवेंद्र फडणवीस की काफी तस्वीरें वायरल हुई थी मिठाई खाते हुए की, और उनके मन में भी ये सपना था कि भाई अब मैं ही सीएम बनने जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया, उनके सपनों पे पानी फेर दिया, और सपनों पे पानी फेरते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, और सबसे बड़ी बात कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के लिए चुना गया, जिसने 5 साल सत्ता संभाली महाराष्ट्र की, उसे अब एकनाथ शिंदे के नीचे काम करना है। हालांकि खुलकर सामने नहीं आए देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये जरूर उनका मतलब खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, बागी विधायकों को लेकर चल रही हैं, अभी अब जो शिंदे गुट के जो 2 विधायक थे वो भी अब उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना में वापस लौटने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं शरद पवार की अगर बात करें तो शरद पवार पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और कहीं ना कहीं चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी समझते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हुए उनका उनका ये अगर कहना है कि अगर 6 महीने में सरकार गिर जाएगी तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा बयान है। साथ ही साथ अभी बहुमत प्रशिक्षण होना बाकी है, बहुमत प्रशिक्षण होगा तो उसमें ये देखना होगा कि भाई क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि 12 तारीख को ये बहुमत प्रशिक्षण होना है, फ्लोर टेस्ट होना है, उस फ्लोर टेस्ट में ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो एकनाथ शिंदे हैं वो या तो भाजपा में विलय करते हैं या फिर किस तरह का दावा पेश करते हैं। हाँ हालांकि ये भी आपको बता दें कि कोर्ट का रुख कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उन्हें ये कह सकते हैं कि जो विधायक बैठक की जो बैठक थी उस बैठक के नियमों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन अगर ये करते हैं तो ये कानूनी लंबी प्रक्रिया होगी, वो लंबा ये लंबी लड़ाई होगी कानूनी। ऐसे में जिस तरीके से बयान आया है शरद पवार का, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज छुपी हुई है कि एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि बागी विधायकों में अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, और नाराजगी इसलिए भी है और नाराजगी सामने आ भी सकती है क्योंकि जिस तरीके से जो शरद पवार जब एकनाथ शिंदे सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होगा, तो सारे बागी विधायकों की मांगों को पूरा करना आसान नहीं होगा, और इस चीज को पकड़ते हुए शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है, और बड़ा बयान इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो एक इशारा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो शरद पवार की भविष्यवाणी है वो सच भी हो रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो गुट के 2 लोग हैं वो अब उद्धव ठाकरे के पास चले गए हैं, शिवसेना में जाने की पेशकश की है, तो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी सही साबित होती हुई नजर आ रही है। आप देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।